ओम स्वस्थ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को बैलेंस एवेन्यू बाबा टोटो हम बृहद स्वागत कर रहे हैं। हमारी साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को पुनः एक बार हम अपने स्टूडियो से प्रसारण कर रहे हैं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने पूज्य पिता श्री स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को भी वंदना करता हूँ। गुरुदेव जी को साष्टांग प्रणाम है। साथ में हमारे साधु संत महात्मा जन जितने भी आज विभिन्न देशों से हमें अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको हम भूरी भूरी प्रणाम कर रहे हैं। हमारे स्टूडियोज में पधारे हमारे जितने भी श्रोता जो नित्य सप्ताह आते रहते हैं, उन सबको स्वागत करता हूँ। खास करके हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया उत्तम चंद जी, अभी श्री सरोज जी, मास्टर श्री रमेश राम जी, भाभी शीला जी, मास्टर पवन जी अभी अभी पदार्पण किए हैं, टीचर सवित्रा जी, साथ में भैया रविंद्र कुमार हमारे बीच में हैं, और अंजना जी आपका भी स्वागत, गृह मालिकिन को भी स्वागत, साथ में भैया उतेश जी आपका भी भव्य स्वागत, प्रीतम भैया आपका स्वागत, और साथ में हारमोनियम पर हमारे साथ दे रहे हैं। आज पहला भजन है बुखार भजन सुनेंगे, वरुण नंद को भी स्वागत करते हैं, और हमारे तबला पर हमेशा की तरह हमारे साथ हो गए हैं नमन सावी बेटा, और साथ में मंजीरा पर हमारे साथ देंगे सुनील शक्ति। आइए सबका सानिध्य लेते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबको राम राम करते हुए चले हम सब भगवान श्री गोविंद के चरणों में, और गणपति भगवान माँ शारदे के चरणों में अपने अपने गुरुदेव जी को, अपने माता पिता को हम सब प्रणाम करते हुए आइए श्री चरणों को वंदना करें हम सब मिल करके। वंशी विभूषित करम नवनीरदाभा पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखदरविंद नेत्रा श्री कृष्ण परम न जा गोविंद भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल Yeah।
श्री भगवान हरि के चरणों में मन को लगाते हुए हम चले, जहाँ पर पिछले सप्ताह हमने कथा को विराम पर छोड़ा था, वह था 21वां अध्याय तीसरा स्कंद का। अब हम चलते हैं तीसरा स्कंद के जो 22वां अध्याय है उसको हम पढ़ें, सुनें, गुणानुवाद करें भगवान के नाम का, साथ साथ कीर्तन के साथ में हम समझें। मुझे पता है अधिकांश लोग हमारे शायद जुड़े होंगे श्री बागेश्वर धाम से, जो प्रिंस चार्ल्स पार्क नैंडी फिजी में उनका भव्य कार्यक्रम कल रात को और आज दिन में बुद्धलेव तीर्थ धाम नंदी में हुआ और आज शाम के दूसरा रात्रि का प्रोग्राम उनका पुनः एक बार प्रिंस चार्ल्स पार्क पर हो रही है। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप शायद इस बात का आपको ज्ञात भी होगा, ऐसे कम उम्र वाले संत और इतना ज्यादा उनकी संख्या है, और जो बोलते हैं कथा पर कम लेकिन जीवन का सही मार्गदर्शन कैसे हम सबको करनी चाहिए, अपने संतानों को हम कैसे शिक्षा दें, साथ साथ इतना ही नहीं उनका एक सुंदर बात जो बालाजी हमारे श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका उनके दादा परदादा जो है वो बागेश्वर धाम से उन्होंने बहुत सारे शक्तियों को प्राप्त करी है, बहुत सिद्धियां प्राप्त करी है। सिद्धि पर नहीं, वो कहते हैं कि जीवन में हम एक धर्मनिष्ठ बने, जीवन में हम जो हम हर दिन श्री हनुमान जी की 40 पाठ करते हैं उस पर आरूढ़ता के साथ में विश्वास भी करें। जब हम बोलेंगे कि नाशे रोग हरे सब पीरा, तो इसमें तो सच्चाई यही है कि हनुमान जी का नाम लेने से हमारे जीवन के जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है और 2-3 बार आए तो फिजी में जितने ओझा लोग हैं उनकी कार्यक्रम बंद हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। जो विद्या के नाम पर लूटते हैं ना, ऐसे विद्या का क्या मतलब, ऐसे तंत्र विद्या का क्या मतलब जो उल्टे मार्ग को अपनाने न आते। गीता श्री में इसका स्पष्टीकरण भी किया गया। नमस्ते सत्येंद्र नंदन जी, आपका भी पदार्पण हुए हैं, आए हैं आप, आपका स्वागत है। तो अब गीता श्री में तो एक बात का स्पष्टीकरण यह है कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूत को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के वरदान से देवताओं के पास रहते हैं, उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। लेकिन जो मुझे पूजते हैं, भगवान कहते हैं कृष्ण, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। और इसी का जोड़ बटोर करके हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी जो आवाज है, उनकी जो प्रस्तुतिकरण है वो कुछ अलग ही है, वो हटके है। इतना जोश भरा कार्यक्रम, मैं उनको सिरडी में फॉलो किया, मैं तो उनको उनके बागेश्वर धाम में भी फॉलो करता हूँ मध्य प्रदेश में, और अब आकर के फिजी में कार्यक्रम करने के बाद में यहाँ न्यूजीलैंड में वो 3 और 4 को रहेंगे, तो भरपूर फायदा उठाइएगा। भाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं नहीं होता हूं इस कारण से, मैं तो मिस कर देता हूं, लेकिन बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे कि उनके साथ साथ रहने का। पहले मेरे पास यही प्रस्ताव आए थे हमारे रिचर्ड कुमार के द्वारा और सब कई लोगों के द्वारा, अपने फोन्स को हम लोग साइलेंट पर करने से। बोले गोविंद भगवान की जय। तो 21वां अध्याय के बाद में कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे कौन, स्वयंभू मनु और
सत्रुपा और अपने सुयोग्य कन्या को लेकर के जिनका नाम देवती है। और देवती का सारे गुण आदि का वर्णन भी किया गया है और ये बात स्वयं ब्रह्मा जी ने करदम जी को बताया। करदम ऋषि जी उन्होंने भगवान श्री हरि का बृहद तपस्या करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया और अब देवती के साथ करदम प्रजापति का विवाह का प्रसंग आज है। और श्लोक जो है तृतीय स्कंद का पहला श्लोक में वर्णन किया गया है कि श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि इस प्रकार जब करदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निर्वृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा करके कहा और मनु जी ने कहा कि मुने वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय ग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त अपना ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुषों ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्त्रों बुझाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। ऐसा श्री शंभु मुनि कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं हम लोग। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी एक दूसरे की रक्षा करने उन ब्राह्मण और क्षत्रियों का वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं और समस्त कार्य कारण रूप होकर के भी वास्तव में वो निर्विकार हैं, भगवान करते हैं जरूर। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं करता हूं लेकिन उसमें मैं लिप्त नहीं होता हूं, मैं करने के बाद में मैं उसमें आसक्त नहीं हो जाता हूं। इसलिए भगवान ने कई बार संन्यास योग का उपयोग किया शब्द का कि हम करते हुए भी सन्यासी बने, घर गृहस्थी में जीवन में रहते हुए भी हम सन्यास बने, क्योंकि डीअटैचमेंट जो कहते हैं वही सन्यास का सही मायने में उनका वही मीनिंग है। क्योंकि हमारे पास संपत्ति हो तो संपत्ति रख करके भी हम उसमें आसक्त ना हो, हमारे पास संतान है, योग्य संतान है तो हम संतान पा करके भी हम उनमें भावुक ना हो जाए, हम उनमें ऐसा ना डूब जाए कि संतान हमारे से निकल जाए हमसे दूर तो हमें इतना क्षति पहुंचे कि हम उनको सहन नहीं कर पाए। तो सब जो है अभी से तैयारी हमारी होनी चाहिए कि होते हुए भी नहीं है। गर्मी और सर्दी के विषय में कहा कि उनका तात्पर्य जो सही मायने में जो संत होते हैं, सही मायने में जो सन्यासी का पद को ग्रहण करते हैं वो सर्दी और गर्मी को समान मानते हैं, पत्थर और मिट्टी को भी वो समान समझते हैं, सोने और पत्थर और मिट्टी को भी जैसा एक भाव से देखने वाला ही सही मायने में सन्यासी है। मिला तो ठीक। और एक उदाहरण हमारे बीच में आते हैं, राजा जनक जी जिनको कहा गया है कि वो वैदेही है। वैदेही का मतलब देह में रह करके भी वो देह से बाहर है। तो मेरे भाग्य से ही अपने मुझने राजधर्मों की शिक्षा दे करके मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारंभ हृदय होने से आपकी पवित्र वाणी कान खोल करके सुनी है। मुने इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत ही चिंताग्रस्त हो रहा है। ये स्वयं मनु कह रहे हैं करदम ऋषि जी से, कह रहे हैं कि ये मेरी कन्या जो है ये प्रियव्रत है। प्रियव्रत का मतलब है जो अपने पति को बहुत चाहने वाली होगी ना,
पतिव्रता भी बोल सकते हैं हम लोग, प्रिय व्रत भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वह अपने पति को उस भाव से देखती है। प्रिय व्रत क्षमा करना, मैं शब्दों का थोड़ा सा दुरुपयोग कर दिया हूं। ये प्रिय व्रत तो वो है जो स्वयं स्वयं मुनि के संतान है, जो पुत्र है, एक ज्येष्ठ पुत्र है प्रिय व्रत, और उत्तान पाद उनके दूसरे पुत्र है, और इन दोनों की जो बहन है इनका नाम देवती है। ठीक है ना, देव बैठा है हमारे सामने शशि भैया जी, शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है भैया। आप आए हैं पहली बार परीक्षा में, लाइव प्रोग्राम पर आए आज। वैसे तो दो स्ट्रीट छोड़ करके रहते हैं और कलाकार भी अद्भुत हुआ, तो आप घर पर बैठ करके सुन ले, तो मैं बार बार कहा कि आप वहां से वॉकअवे ले हुए ना, तो एक दो स्ट्रीट के बाद में हमारे घर आ जाते हैं, तो आ जाया करो, आपका घर है ना, बार बार गाया करते हैं। आपका घर है आया जाया, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला जामवंत जी करके संबोधित करते हैं, तो भैया जी उनकी चर्चा हो रही थी और अभी जी से मैंने कहा कि हमारे कुछ ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, और जो हमारे बड़े होते हैं हमारे, मैं उखड़े नमन संस्था ट्रस्ट का पदाधिकारी होने के कारण उनके सहयोग देख करके भैया रवीन और मैं और कई हमारे बीच में इस संस्था को चलाने वाले बड़े प्रसन्न हुए इनका भाव देख करके। तो उन्होंने कहा जब हमारे साथ होते हैं इनकी छत्र छाया के नीचे हम होते हैं, इनका हाथ हमारे सर पर होता है, इसलिए भैया को कभी संकोच नहीं होता हमारे घर आने को, क्योंकि हमारा घर नहीं इनका घर है, इसलिए हम प्यार से निमंत्रण देते हैं। हमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं आए। बहुत सुंदर गजल है, और गजल में छुपी वो बात है जो सांसारिक जीवन से हमसे कितना लगाव रखता है। अगर ये अपनापन हो जाए ना, हम ऐसा नहीं कि भाई जब मांगे तब चले जाए। कई लोगों को मैंने सुना है, अरे मैं गाइड बंद करके रखता हूँ। बोले क्यों? बोले लोग आ जाते हैं, बिन बुलाए चले जाते। कितना अच्छी बात होती है, बिन बुलाए कोई आपके घर आए तो ये हमारा अहोभाग्य है, क्योंकि अतिथि देव भव। अतिथि ना बोले पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए भैया, पता नहीं किस रूप में आए हैं वो अतिथि तुम्हारे घर पर, भगवान के रूप में आए हैं, विक्षिप्त के रूप में आए, कैसे आए हैं। तो ये बात मैं हर मॉर्निंग में अपने पोते कृष्ण बेटा को समझाता हूँ, तो कहता हूं कि देखो अपने दिनचर्या इनसे शुरू करो कि आपको अच्छा लगे कि आपने किसी के लिए कुछ किया है जीवन में, और जिस दिन ये आपने कर दिया तो आपको बताऊं आपको इतना अच्छा लगेगा। ऐसे ये आज ये प्रसंग क्यों आया है, क्योंकि कर्दम ऋषि से निवेदन कर रहे हैं कौन, स्वयं श्री स्वयंभू मुनि। ये जो प्रियव्रत और उत्तान उत्तानपाद की बहन है देवहूति,
इनकी योग्य है पति को पाने की इच्छा ये रखती हूं। और जब से इन्हें श्री नारद जी के मुख से आपके शील गुण यश कीर्ति आदि का वर्णन हुआ है, विद्या का, आयु का, गुण का, तब से यह आपको अपना पति बनाने के निश्चय कर लिए मन मन में। और ये मन ही मन में जो कोई कन्या अपने किसी को अपना बनाने के लिए सोच रहती है, तो ये समझ लेना ये इनका नहीं है, वो पहले से ही बन करके तैयार हुआ है। और यही सुंदरता है हमारे। और भगवान कृष्ण बार बार कृष्ण लीला की कथाओं में कहते हैं कि ये दिव्य है, ये प्रेम जो है ये बहुत बहुत दिव्य है, ये भाग्य वालों को मिलता है, सबको नहीं प्राप्त होती है ये। और जिनको प्राप्त हो गया ना, उनको चाहिए भगवान को धन्यवाद दे, क्योंकि इसमें आप सब जानते हैं कि भगवान के प्रति अनुभूति हो जाना, स्नेह हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और यहां वो देहूति कर्दम ऋषि के सब गुण को सुन करके, जान करके और मन ही मन उनको अपने पति रूप में स्वीकार जो कर ली है, और कह रहे हैं उनके स्वयं के पिता से, आप इसे स्वीकार कीजिए। ये गृहस्थ चित्त और कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य हैं। हम लोग जब शादी कराते हैं तो हमको बताई जाती हैं कि जो कन्याएं होती हैं, माताएं जो गुणशील होती हैं, तो अपने कन्याओं को वो सब गुण सिखाती हैं, पति धर्म का, सास ससुर का आदर सम्मान। और यही सुंदरता है घर की रिश्ते में। यद्यपि शादी तो दो की होती है, लेकिन सही मायने में देखे कि दो परिवार का शादी होता है उस समय। और यहां ऐसे ये दो परिवार जो मिलेंगे ना, जो भोग स्वतः ये प्राप्त हो जाए, उनकी अवहेलना करता करना विरक्त पुरुष के भी उचित नहीं है, फिर यह विषय शक्ति को तो बात ही क्या कहना। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी की ओ कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मांगना अनुचित है। जो मिला स्वीकार कीजिए। दरिद्रो सो असंतुष्टो और कृपण सो जितेंद्रिया, ये हमारे शास्त्रों का सूत्र है। दरिद्र वो होता है जो हमेशा मांग मांग करता है। दरिद्र वो होता है जिनके पास इच्छाएं जो प्रबल होती हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, और आगे मिल जाए ये। और संतुष्ट तो वो होता है जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, और इंद्रियों के बस में किया हुआ प्राणी चाहे एक रोटी मिल जाए जिसमें संतुष्ट होता है वो। बस यही सुंदरता है हमारे शास्त्रों का। और कहते हैं कि जब कोई भाग्य चल करके हमारे पास आता है तो उसके हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और आपका ये ब्रह्मचार्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचार्य तो हैं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूं। ऐसा श्री शंभु मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में अपने पुत्री का हाथ प्रजापति कर्दम जी को सौंपने की तैयारी में है। कर्दम जी मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्यदान नहीं हुआ है। ये शब्द वाग्यदान का मतलब क्या है? तिलक नहीं हुआ है, कहीं पर छिड़नी नहीं किया गया है, इनके कोई सगुन भेंट करके कह नहीं दिया है कि हम तुम्हारे बेटी से प्रसन्न हैं
और हम आगे बात विवाह का बढ़ाएंगे, न उनका हुआ है न इनका हुआ है, इसलिए इनका जब वागदान नहीं किया गया है तो दोनों सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विधि से विवाह हम करना चाहेंगे। आपको पता है ना कि हमारे 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं और सर्वश्रेष्ठ विवाह जो है वो ब्रह्मा विवाह है, ठीक है। और ये बाकी 7 जानना चाहेंगे? बता दे ताकि बाद में काम दे ना। हाँ जी, एक गंधर्व विवाह तो आपको बताए थे ना, गंधर्व विवाह तो आप सब जानते हैं। यहां पर 8 विवाह का वर्णन हुआ है और ये आपको मनुस्मृति पुराण में मिलेगी। मनुस्मृति पुराण में इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है कि पहला जो है वो ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा ये प्रजापति विवाह और 5वां है असुर विवाह, 6ठा जो है वो गंधर्व विवाह, 7वां जो है राक्षस और 8वां जो है पिशाच। अब इसका समय निकले तो हम लोग इसको फोड़ेंगे कि कौन से विवाह क्या है। तो ब्रह्म विवाह जो संजनतु के साथ में और वैदिक मंत्रों के माध्यम से अग्नि का साक्षी मान करके अग्नि फेरे करे जाते हैं उनको ब्रह्मा विवाह बोला गया है, ठीक है ना। और वही सही मायने में सबसे उत्तम विवाह है। और क्योंकि कर्दम ऋषि का भी और देहूति का भी कोई बात अभी तक हुआ नहीं तो इसलिए कर्दम जी चाहते प्रजापति कि उनका विवाह ये ब्रह्म विवाह के माध्यम से ही हो। छोटा सा भजन वरुण नंद सुना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हारमोनियम पर बैठे हूं। फिर भैया शशि जी आ जाएंगे, पहली बार आए तो उनको हम लोग जरूर निवेदन करेंगे कि छोटा सा भजन हमारे बीच में सुनावे। Oh,
करके हम लोग आपसे जरूर एक भजन सुनना चाहेंगे, कीर्तन संकीर्तन सुनना चाहेंगे। चले वरुण बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास हमारी यही रही कि आप जैसे उभरते कलाकार को दिशा मिले। मास्टर सत्येंद्र जी, अगर हम लोग जैसे आप उस दिन स्क्रिप्टन होल पर बच्चों के लिए बहुत आपने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं उनके जिनके देख रेख में छत्रछाया के नीचे जो बच्चे आज वहां बढ़ रहे हैं, तो उन जो गुरु के रूप में बच्चों को सही मार्ग देने वाले होते हैं उनका भी बड़ा मान होता है। और जो बच्चे ऐसे भजन कीर्तन में लग जाते हैं तो उनका मन जो है ना अन्य जगह ना लग करके सही जगह पर उनका मन लगेगा। तो आप हमारे स्क्रिप्टन हॉल का आने वाला कार्यक्रम जो है जी अष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, तो उसकी पोस्टर पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग शीघ्र तक साथ में ही उसका पोस्टर को हम लोग आपके बीच में रखेंगे। और ये होगा 19 अगस्त से हम शुरू करें। यद्यपि पूर्णिमा तिथि है, यद्यपि रक्षाबंधन है, लेकिन हमारे लोग कम नहीं करना चाहते, वो बराबर करना चाहते हैं। अष्टमी का मतलब 8 ही है, इसलिए कहते हैं कि भाई हम एक रोज कम क्यों करें, एक ज्यादा करो ना। मैं तो भाई हम भी इसमें समर्थ है भाई, अब तिथि कौन देंगे भगवान के भजन करने का, तो इसलिए पूर्णिमा तिथि तो और भी सुंदर है। लेकिन कृष्ण पक्ष तो सही माने में 20 तारीख से ही शुरू हो रही है, तो 20 तारीख अगस्त से लेकर के 26 तारीख तक तो 7 ही दिन का प्रोग्राम बन रहा है इस बार, तो और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें हम सोचते हैं हमारे कल्याण के लिए ही अच्छा ही होगा। तो जरूर इस पर हम लोग बहुत बहुत तरीके से बच्चों की कार्यक्रम भी देखेंगे, कथा भागवत की ही चलेगी, 10वें स्कंद में ज्यादा हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। तो आप जैसे वरुण, क्योंकि आप भी ओकल रमन संस्था से जुड़ गए हो, कमेटी के साथ में जुड़ गए हो, तो आपका भी बड़ा योगदान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और 2-4 बच्चों को सही दिशा दिखाओगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं वहां तक पहुंचा था कि ये
जो करदम जी हैं प्रजापति, इनको लगा कि ये हमारी थाल में आ रही है और इनकी चर्चाएं हमने पहले भी सुना है। करते हैं करदम जी कि एक बार या अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी जब छोटी थी वो देवती, क्योंकि राजा मनु जी हैं, आपको पता है राजा मनु कितने शंभु मुनि कितने बड़े ना, आप राम जी के कुल में रघुवंश, हाँ रघुवंश कुलभूषण है वो, इसलिए उन्होंने तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करके और धेनुमति के तीर पर भगवान को प्रकट ही कर दिया था, तो भगवान ने इनको वरदान दिया। क्या चाहते थे वो कि आप जैसा ही पुत्र हमें प्राप्त हो, तो प्रभु ने योम वस्तु कह दिया, लेकिन सोचा मेरे जैसा पुत्र खोजना मुश्किल है, क्योंकि हम तो चाहते यही है कि किसी का माध्यम तो बने मैं, जिसके घर में मैं आ सकूं, और कहा कि जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, अपना भोग भोगो और स्वर्ग आदि का आप भोग भोग करके जब आप राजा दशरथ और महारानी कौशल्या बन करके आओगे तो हम अवधपुर में राम लेकर के जन्म लूंगा। ये है स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा। आज अपने पुत्री देवती को लेकर के जब आए हैं तो देवती की कीर्ति जो है पहले ही प्रजापति करदम जी ने सुन रखा था। उसने कहा कि एक बार अपने महल की वो छत पर गेंद खेल रही थी, गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण नेत्र चंचल हो रहे थे और इनके पैरों के जो पायजब थे वो खूब तरीके से बज रहे थे, जो बहुत मधुर लग रहा था हमारे देवताओं को कानों में। और उसी समय वहां स्वयं जो मोहवश के कारण से प्रभासु नाम का गंधर्व जा था ना, उनको बहुत सुंदर लगा ये पैजब की जो बजने का वो आवाज जो है, उनको बहुत तरीका लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको आपको विदित भी होगा कि मीराबाई भी वो घुंघरू बांधती थी ना, ऐसे नहीं भजन करती थी, वो घुंघरू पद घुंघरू, पद पद का मतलब है पैर में, पद घुंघरू बांध मीरा नाचती थी, तो घुंघरू की जब वो बाजन बजती थी तो एक अलग भाव प्रकट होता, और पायजब की जो होती है उसमें कुछ अलग होती है। पायजब ज्यादा करके याद रहे, हमें सुवर्ण का पायजब नहीं पहनना चाहिए, हमारे नारियों को माताओं को बहनों को ये सूचित किया जाता है शास्त्रों के माध्यम से कि पैर में आप सोने का पायजब ना पहने, पहने तो आप सिल्वा, ठीक है ना, सिल्वा ही पहने, सिल्वा का पायजब पहन करके। और जब ये गेंद के पीछे भाग रही थी तो इनका जो मोहप्रद जो आवाज थी वो विवासन विवासुनाम का जो गंधर्व था उस समय अपने विमान से उसी महल के पास से गुजर रहा था और अपना होश आवाज खो करके और विमान से नीचे गिर गया, इतना मस्त हो गया था। ऐसे अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे अस्वीकार नहीं करेगा, इसलिए श्री सौम्य मुनि की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन तथा यह रमणियों में रतन के समान है, और जिनके जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरण की उपासना नहीं की है उन्हें तो उनका दर्शन भी नहीं हो सकता है, जो जो महालक्ष्मी की अपेक्षा करी है ऐसे वो देहोती की तरह वो भी इतना प्यारी है, ऐसे लक्ष्मी का भी दर्शन जैसे हो जाए ऐसे देहोती का दर्शन पाने का बड़ा लाभ है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ में, जब तक इनके संतान न हो जाएंगे तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इनके साथ रहूंगा, और इसके बाद में मैं भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान और हिंसा सार रहित शम दम आदि धर्मों का वो ही अधिक मैं महत्व दूंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रजापति होते हैं उनका क्या कारण होता है, प्रजापति जैसे ब्रह्मा जी होते हैं सृष्टि की वो बढ़न्ति के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उनका हाथ होता है, और अगर ये सब ये गृहस्थी जीवन में रह जाएंगे तो आगे का कार्य कब होगा। इसलिए राम जी भी जब आए तो उसने बहुत लीला कर ली, बहुत ये कर ली, तब कहा सीता मैया से कि जिस कारण से हम पृथ्वी पर आए ना उसको तो हमें करना चाहिए, इसलिए सुनो प्रिय व्रत रुचि रशि शीला, यहां भी प्रिय व्रत आया ना,
सुनो प्रिय व्रत ऋचुरि सुशीला, अब हम करब नरद नर लीला। तुम पावक कर जाहू निवासा, जब लगी करूं मैं निशाचर नासा। तो इसीलिए भगवान अपनी लीला भी करते हैं, और जब समय आता है जिस कारण से प्रभु इस पृथ्वी पर आते, उस कारण को पूरा करने के लिए। अब यहां कर्दम ऋषि ने पहले से ही अपने होने वाले ससुर को कह दिया था कि संतान उत्पत्ति तक हम इनका साथ देंगे, उसके बाद में मैं अपना नित्य कार्य जो है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको करूंगा। और इसके बाद में मैत्री जी कहते हैं कि प्रचंड धनुधर विदुर कर्दम जी के केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान श्री कमल नयन का ध्यान करने ते हुए मौन हो गए। और उस समय उस मंद हस्त युक्त मुख मखनु को देख करके देहवती का चित्त जो है वो लुभ गया, और मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी सतरूपा और राजकुमारी स्पष्ट अनुमति है, भले बोल नहीं रही है, इशारों आंख से हो रही है। समझ एक भजन हमारे शशिकांत सिंह जी हमारे बीच में बड़ा सुंदर भजन लेकर के आए, और ऐसे सुंदर भजन के साथ साथ में ये जो हमारा 22वां अध्याय है, हम लोग इसको समाप्त करेंगे। और 3 सप्ताह याद रहे, अगले सप्ताह मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वहां से प्रयास करूंगा लाने के लिए मंगलवार को, और उसके बाद वाला हफ्ता जो होगा मैं फिजी में हूँ, तो फिजी से प्रयास होगी वाली कथाएं, और उसके बाद में हम सीधे स्क्रिप्टन हॉल पर चले जाएंगे। तो 3 हफ्ता स्टूडियोज में कार्य कर रहे होंगे। आइए सचिव जी मंगलवार है, हनुमान जी का भजन छोटी सी सुनाते हैं, सुनाने का प्रयास करते हैं। राम कथा जहाँ होत है वहाँ तिहारो वास, अर्ज मोरी सुन लो प्रभु एक भक्त की अरदास। तो राम नाम रखते रहो जब तक भट में श्वास, कभी तो दीन दयाल भनक पड़ेगी प्राण। तो सागर पार से वो सागर पार से, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले हनुमान, तुम राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है वो, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा मिलन करा के राजा। Oh,
से अपने वाणी से भगवान के अनन्य भक्त हमारे हनुमान जी का आपने बहुत सुंदर कीर्तन गाया, बहुत धन्यवाद। कलाकार तो हमारे बीच में हर सप्ताह कोई ना कोई आ ही जाते हैं, तो अगले बार हम जानते हैं मास्टर सत्येंद्र नंदन जी बड़े बिजी हैं और कुछ दिनों का इनका छुट्टी है, तो शायद अगले बार अब हम स्किप्टन हॉल पर जब मिलेंगे तो आपका कार्यक्रम वहां से आएंगे। और रवीन्द्र भैया अभी खूब तरीके से तैयार हो रहे हैं, मास्टर रमेश तैयार बैठे रहते हैं हरदम, तो पिछली बार इन्होंने हमारे उस स्क्रिप्टन हॉल या कम्युनिटी हॉल पर पहली बार उन्होंने रामायण प्रचार भी बहुत बेहद रूप से किया है, इनका विशेष धन्यवाद है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने धर्म को डूबने नहीं देंगे, इसलिए आप सबका हाथ है, आप सबका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। और मुझे उतेश भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और पहली बार कई लोग सुन रहे हैं कि पहली बार नाल बजाए उन्होंने जाकर, मेरे काम में तो बहुत बार मार बजाते आप नहीं होते, इसलिए उदेश भैया गाते भी अच्छे हैं और बजाते भी अच्छा है, हमारे उत्तम भैया जी अच्छे गाते हैं, तो सब कलाकार निकल रहे हैं। धीरे पवन मास्टर जी खूब गाए वैदिक सेंटर पर आराम से एक दो भजन, तो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। अब सबने चट्टी कबारी आए हैं, अगले बार हम लोग मंजीर रस को लेकर के हारमोनियम पर बैठाने वाले हैं, और प्रीतम भैया भी अब प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अब कुछ गाएंगे। अंजना गाती जी है, अंजना जी को हम लोग एक सुंदर वाला भजन प्रैक्टिस करा करके तब गवाएंगे, ठीक है ना। आपको बोलो श्री कृष्ण भगवान के जय। मैं इस अध्याय को अब यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि महारानी शत्रुपा भी बेटी और दामाद को क्योंकि पानी ग्रहण करवाया कौन स्वयं मनु ने, अपने कन्या का हाथ उसने करदम प्रजापति जी के हाथ में दे दिया, और सबसे बड़ा धन तो वही होता है। हमारे शास्त्रों का विधान कन्यादानम
महादानम सर्वदानेश दुर्लभम, एक दुर्लभ दान है वो। ऐसा दान करने से हम कितने गाय के बराबर दान कर देते, हमारे अगर मेरी याददाश्त ठीक जा रही है तो 100 गाय दान करने का जो फल है वो एक कन्या दान के बराबर। तो एक कन्या दान करें हम, उस एक कन्या दान 100 गाय दान देने के बराबर है। अभी कन्या दान जो शब्द है, दान का मतलब तो यह है किसी वस्तु को दान किया तो उसको आप वापस ले नहीं सकते, ठीक ना। तो कोई कोई ऐसे प्रथा वाले भी होते हैं, नहीं नहीं अब तुम चले जाओ, तुम्हारी डोरी उठी यहां से, तुम्हारा अर्थी भी वहीं से उठने वाला है। कभी कभी भाई ये परिवर्तन संसार हुआ है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटनाएं ना घट जाए कि जिससे आपको उससे आप वंचित रह जाए कि मैंने दान दे दिया तो वापस नहीं। नहीं, कन्या कोई वस्तु नहीं होती जो दान करी जाती है, इसलिए पाणी ग्रहण जो शब्द है उनको सही मायने में ठीक ही समझा गया है कि पाणी का मतलब हाथ, और एक दूसरे का हाथ ग्रहण करके एक दूसरे के सहयोग सहयोगी बन करके और अपना जीवनचर्या को चलाए, वही विवाह संस्कार मानी गई है। और ऐसे विवाह संस्कार करके शंभु मुनि ने अपने पुत्री का हाथ दे दिया प्रजापति करदम जी को, और माता जी सतरूपा ने बहुत सारे आभूषण दिए हैं और बहुमूल्य और प्रेम पूर्वक दे करके, और गृहस्थ चित्त और पात्र आदि के दहेज में, दहेज शब्द भी आजकल वर्जित है क्योंकि दहेज के नाम पर बहुत डूटा खाया गया है, इसलिए सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि जिस शादी में दहेज की मांग करी जाएगी तो देने वाला को भी जहल हो सकता है और लेने वाला का भी जहल हो सकता है। आपके पास है, आप दे सकते हैं दान स्वरूप, लेकिन आप कैसे कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं, इसलिए दहेज प्रथा बंद हो गई है। डाउरी सिस्टम इज ऑलवेज बीन अगेंस्ट ये विवाह संस्कार में। पहले उनके पास पहुंच थी राजा जनक की, आप कथा सुने कि कितने दिए कितने दिए कि महल में जगह नहीं था रखने का, तो मणि पर्वत पर वो उसको रखा गया था। आज भी कभी आप अयोध्या जी जाए ना तो आप मणि पर्वत का दर्शन पाओगे कि वहां राजा जनक के जी के द्वारा इतना सारा दहेज में जो दिया गया था वो सब वहां रखा गया। ऐसे तो कह करके अपने कन्या को, तो माँ तो माँ होती है ना भाई, अपनी कन्या को उसने हृदय से लगा करके और विवाह के हर एक बात को समझा करके, फिर वे मुनिवर करदम से पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के रानी के सहित रथ पर सवार होकर के अपने सेवक सहित वह ऋषिकुल सेवित उस सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के शुवाश्रम शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले जाते हैं शंभु मुनि सतरूपा। और जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं तो वह अत्यंत अनादित होकर के और सुस्त गीत व्योम बाजे गाजे सब बजवाने लगे, और अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त जी स्वयं राजधानी से बाहर आए और सब प्रकार की वो संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगर में मनु जी की राजधानी थी, जहां पर पृथ्वी का रसातल से ला करके जब पृथ्वी को वहां पर रखा था तो भगवान उस समय हरणाक्ष का वध करके और शुक्र का रूप जो धारण किया था, तो उसने जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो अपने शरीर को उन्होंने झटका और जितने शरीर के बाल टूटे ना, जो बाल टूटे तो बाल कुश के ग्रास में परिवर्तित हो गया, और उसी समय से कुश का वरदान मिला कि आज के बाद में चटाई उटाई बैठा करके आपके कुश आसन पर ही बैठ करके पूजा पाठ और आदि जो शुभ कार्य है वो करा जाती है। इसलिए विवाह संस्कार में भी सबसे पहले हमारे वर महोदय को दिया जाता है कुश का आसन, विष्णु भवा विष्णु भवा विष्णु भवा तीन बार बोल करके कुश का आसन पर बिठाते हैं। इसके बहुत सारी साइंटिफिक और भी अच्छे अच्छे बातें हैं, कभी कथा के हट के बाद में भी इनसे हम लोग इन पर वार्तालाप करेंगे। मास्टर सत्येंद्र नंदन जी और मास्टर रमेश जी और हमारे वरुण बेटा ये सब बहुत जिज्ञासु लोग हैं, ये लोग बहुत रिसर्च किया करते हैं। अब मुझे थोड़ा परेशानी आने लगी है कि समय मिलता नहीं बहुत रिसर्च का, तो हम कहेंगे भाई आप लोग रिसर्च करो हमें बताओ इनमें। तो ऐसे जब कथाओं में बात बन जाती है कि वो बाल टूटे हुए कुश के
चटाई बना करके आदि आदि जो आज भी होता है। बृहस्पति और पुरी में मनु जी निवास करते थे और उस समय पहुंच करके उन्होंने वो त्रिपात नाशक भवन में प्रवेश किया और वहां अपनी भारिया और संतान के सहित ही धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर वो गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, क्योंकि मनु जी उसमें आसक्त ना होकर के प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाओं सुनने के लिए हर समय वो ललायत थे। और कहते हैं कि वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने वाला कुशल थे, किंतु मनशील और भागवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाती थी। चाहे कितनी सामग्री भोग का रख दिया जाए, जिसका मन प्रभु में एक बार लग जाए फिर उसका मन ना उन भोगों से कोई मतलब नहीं रखता है, कुछ भी नहीं, उनका तो मन भजन में लगा रहता है। जहां देखो बैठ करके भगवान का कीर्तन आदि करना, एकांत में बैठ करके माला जपना, ये इस प्रकार अपनी वो जागृत आदि तीनों अवस्था में अथवा तीनों गुणों के अनुभूत करके उन्होंने भगवान श्री वासुदेव जी का कथा प्रसंग अपने मनमंत्र के ही करके चतुर्युग पूरे कर दिए। और व्यास नंदन जी, विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक और मानसिक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार का कष्ट कभी नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्री हरि जी के ध्यान में रहते हर वक्त। शरीरा मनसा दिव्या वैश्वे च मानुषा भौतिक काष्टम कथम क्लेश बंदते हरि शरणम। जो हरि जी के शरणागति में है उनको किसी प्रकार का कलेश कभी तंग नहीं करता है। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे, जनसेवा राजा का कर्तव्य, और मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रम के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन भी किया। और जो कहते हैं कि यह मनु संहिता के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध है, तो मनु संहिता जो है ये ऐसे श्री मनु जी स्वयं जो उपदेश दिए हैं और महात्माओं को उसमें लिखा गया है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे और मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देहूति का जो प्रभाव वो सुनेंगे हम लोग, जब नोट करके हम लोग फिर श्रीमद् भागवत पुराण में हलेंगे, तो क्योंकि जो स्क्रिप्टन कम्युनिटी हॉल पर कार्यक्रम होगा वो भागवत की कथा ही होगी, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण का लीला अमृतमय कथा है तो हम लोग दसवां स्कंद का ज्यादा करके कथा का वो कथा का सुनेंगे। गोवर्धन तो सब सुनते हैं, हर साल कालियानायक दमन जो हुआ है, आज देखे ना अभी कोई कह रहा था कि नहीं नहीं रमणी दीप नहीं, आज हमारे बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं कल बोल रहे थे अपने मुख से कि कितने भाग्यशाली हम हैं कि हम जहां पर श्री कृष्ण भगवान के नचा करके फेंक करके कालिया नाग को भेजने के लिए ये रमणीक द्वीप ही चुना था और मैं इसी रमणीक द्वीप पर आया हूं। और हम तो और भाग्यशाली थे, हम तो लंबा सा पहुंच गए थे। तो मैं कहूंगा जो भी हो वहां पदाधिकारी जो हैं उनको मिला दे और प्लेन में सवेरे बैठा दे। मैं कैप्टन जैन से बात करूं कि बागेश्वर धाम जी को एक बार थोड़ा नाग बाबा का दर्शन करवा ही देना। बोलो श्री गोविंद भगवान की, धन्यवाद है। आइए हम लोग कथा मसली अब आप आए हम लोग को वो करें भागवत आरती। अच्छा अच्छा, तो सही भागवत ठीक। आज के प्रसंग हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। धन्यवाद। जो जो भी शायद नहीं सुन पाए होंगे कि तीन सप्ताह हम नहीं आपके बीच में प्रोग्राम, अगर बन सका तो लाएंगे, नहीं बन सका तो नहीं लाए पाएंगे, लेकिन जरूर ये प्रसंग नहीं आएगी, अलग प्रसंग आएगी, क्योंकि हम फिजी में होंगे। तो हमारे भैया श्री का निवेदन है हर दिन अलग प्रसंग चलेगा। सोमवार को शिव कथा होगी, मंगलवार को हनुमान जी की कथा होगी, और बुधवार को श्री गणेश जी का कथा होगी, बृहस्पतिवार को गुरु जी का कथा होगा, और शुक्रवार को माताओं की कथा होगी, और शनिवार को हम शनि की कथा लाएंगे, और इतवार को दिन में हम रवि देव सूर्य देवता का कथन लाएंगे। तो हर दिन हर एक कथा नया होगा, हर एक पुराण से निकाली गएगी। तो हमारे धीरेन, हमारे छोटे अनुज
और उनकी धर्मपत्नी मीना जी का बड़ा सुंदर निवेदन है। तो 12 तारीख से फिजी में प्रोग्राम चलेगी, 12 से लेकर के हम 18 तारीख तक फिजी में रहेंगे। प्लेन से बैठेंगे, उतरेंगे, यहाँ सीधे चल जाएंगे स्क्रिप्टन हॉल पर, वहां से फिर प्रोग्राम लाएंगे। आज की प्रसंग के लिए सभी को जय श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन बेटा बहुत धन्यवाद, और शशि भैया आप आए अपना, और सभी जितने आए सबको धन्यवाद, और सवनेश बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सामान ले करो, अपने मंजीरा को बहुत सुंदर बजाते हो, कभी कभी लग रहा है कि हम लोग, आप अगर माइक के सामने हो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, बस आइए। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, राधा।